हे फ्रेंड्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट होने की बात होती रही है और क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर है तो इंडिया कैसे कर सकता है। पहला रीज़न जिसकी वजह से हम इंडियंस चाइनीज़ को अच्छा नहीं मानते, वो है इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्साइज चेन 1947, साइनो इंडिया वॉर 1962, और अगर करंट डिस्प्यूट्स की बात करें तो पेंगोंग लेक और गलवान वैली। सेकंड, लो क्वालिटी ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। जी हाँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की ख़राब क्वालिटी। चाइना कई सालों से अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इंडिया को ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचता रहा है। थर्ड, चाइनाज़ क्रुएल्टी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, चाइना अपने सिटीजन्स पे अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन का डोमिनेंस चाहता है। यही वजह है कि चाइना पिछले कई सालों से विगुर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और तिब्बतन बुद्धिस्ट पे बहुत अत्याचार करता आया है। फोर्थ, एनिमल एक्सप्लॉयटेशन। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चाइना वो देश है जो अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन करता रहा है। फिफ्थ, COVID-19 पेंडेमिक। दोस्तों, ये एक ऐसी वजह है जिसे कुछ साइंटिस्ट, बुद्धिजीव और लोगों का मानना है कि चाइना के मिसमैनेजमेंट और समय रहते दुनिया से कोरोना वायरस का सच छिपाए रखने की वजह से आज वर्ल्ड सफ़र कर रहा है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की बात होती रही है। आइए अब समझते हैं कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस रहा है इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे। अगर मैं ट्रेडिंग सेक्टर की बात करूं तो 2019 में इंडिया ने $16.7 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट किए चाइना को, और वहीं $70.3 बिलियन गुड्स इंपोर्ट। तो आप देख सकते हैं, इंडिया 4 times ऑफ इट्स एक्सपोर्टेड गुड्स इंपोर्ट करता है चाइना से, जिसकी वजह से यहाँ एक सिचुएशन आ जाती है ट्रेड डेफिशिट की। दोस्तों, ट्रेड डेफिशिट तब होता है जब किसी भी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हो। अगर हम 2019 का रिकॉर्ड देखें तो ट्रेड डेफिशिट था $56.8 बिलियन, 2018 में $57.86 बिलियन और 2017 में $51.72 बिलियन। दोस्तों, ये ट्रेड डेफिशिट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अगर हम टोटल डेटा समझें तो दोस्तों, इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 5.5% चाइना को एक्सपोर्ट करता है, वहीं चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का 2% इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेडिंग चाइना पे कितना डिपेंड करती है। तो अगर आप इंडिया के लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट देखेंगे तो चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आपने देखा, अगर हम ऐसी सिचुएशन में चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें तो उसका इम्पैक्ट हम इंडियंस पे ज़्यादा पड़ेगा, ना कि चाइना पे। अब इंडिया का मार्केट स्टेट समझते हैं। इंडिया 60% इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाइना से इम्पोर्ट करता है। अगर हम बेस्ट सेलिंग फ़ोन ब्रांड्स की बात करें तो आउट ऑफ 5, 4 ब्रांड्स चाइनीज़ हैं, और वो भी 60% ऑफ इंडियन मार्केट डोमिनेट करते हैं। इंडियाज 27% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी चाइनीज़ हैं। इंडिया के 85% टॉय मार्केट भी चाइनीज़ हैं। हमारी कंट्री का 50% बाईसाइकिल मार्केट भी चाइनीज़ हैं। अगर मैं इंडिया के सोलर पावर की बात करूँ तो 84% ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो इंडिया ने अभी हाल ही में COVID-19 के दौरान इंडिया ने 120 कंट्रीज़ को पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सप्लाई किया है। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी इंडिया 70% चाइना से इम्पोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आइए अब चाइनीज़ कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट देखते हैं इंडियन स्टार्टअप्स में। एक मुंबई बेस्ड गेटवे हाउस की रिपोर्ट्स को देखें तो चाइना अब तक $4 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है इंडियन स्टार्टअप्स में। आइए ये समझते हैं दो चाइनीज़ कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स देख के। पहला, अलीबाबा ग्रुप। दोस्तों, ये कंपनी 4 अप्रैल 1999 को फाउंड हुई थी। आइए अब इसके कुछ इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट देखते हैं। $680 मिलियन इन पेटीएम, $500 मिलियन इन स्नैपडील, $450 मिलियन इन पेटीएम मॉल, $150 इन जोमेटो, $50 इन बिग बास्केट। दूसरी कंपनी है टेंसेंट। दोस्तों, ये कंपनी 11 नवंबर 1998 को फाउंड हुई थी। और अगर हम इसके इंडियन स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट देखें
तो $50 मिलियन इन बायजूस, $150 मिलियन इन ड्रीम इलेवन, $300 मिलियन इन फ्लिपकार्ट, $150 मिलियन इन हाइक मैसेंजर, $500 मिलियन इन ओला, $500 मिलियन इन स्विगी। तो क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकती? दोस्तों अगर मैं इसका एक वर्ड में आंसर दूं तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन या बॉयकॉट नहीं कर सकती, चाहे भले ही उनमें डिप्लोमेटिक या मिलिट्री डिस्प्यूट्स क्यों ना चल रहे हों। और अगर हम कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करें, जैसे कि चाइना ने जैपनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहा था 1930 में, ऐसे US ने भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहा था 2003 में, अरब नेशंस ने भी बॉयकॉट करना चाहा था इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इन तीनों सिचुएशंस में एक चीज कॉमन थी, ये सारे बॉयकॉट्स अनसक्सेसफुल थे, और इसके पीछे का रीजन था इकोनॉमी फेलियर। हमें यह समझना होगा, जब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन करती है, बॉयकॉट करती है, तो दोनों ही कंट्री पे उसका इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आइए अब समझते हैं कि इन सब सिचुएशंस का सॉल्यूशन क्या है। क्या बॉयकॉट करना ही एक सही सॉल्यूशन है इन सब का? तो दोस्तों नहीं, बॉयकॉट एक सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिया ये करने में अभी इतना सक्षम नहीं है। तो अब हमें ये समझना होगा कि अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बैन नहीं कर सकते, तो हम इंडियंस कैसे चाइना पे अपना डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। अगर मैं इसका वन वर्ड सॉल्यूशन दूं तो वो है रिप्लेसमेंट। हम रिप्लेसमेंट से ही अपने इकोनॉमी को ब्रेक होने से बचा सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हम कैसे रिप्लेसमेंट पॉलिसी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर। दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका यूज करके हम अपनी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज में न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, तो इंडिया अपने R&D एक्सपेंडिचर पे बहुत कम खर्चा कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सेकेंड, लोन्स विद लो इंटरेस्ट रेट शुड बी इशूड टू द कंपनीज। गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो लोन प्रोवाइड करें तो कम इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ लोन ले सकें और उस पैसे का यूज़ करके डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, जिसके अकॉर्डिंग MSME इंटरप्राइजेस को कम इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई है। थर्ड, FDI रूल्स शुड बी लिबरलाइज्ड। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगा रखे हैं, उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कैंपेन ऑलरेडी 2014 में इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जिसका एक प्राइमरी गोल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था। फोर्थ, डाइवर्सिफाई आवर इम्पोर्ट बास्केट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिपेंडेंस चाइना पे तभी कम होगी जब हम अपना इम्पोर्ट चाइना से कम कर दें और दूसरी कंट्रियों के साथ बढ़ा दें। फिफ्थ एंड लास्ट, ट्राई टू अवॉइड मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। दोस्तों हमें कोशिश करनी है कि हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कम से कम खरीदें, क्योंकि अगर हम परचेज कम करेंगे तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की सेल्स कम होगी, और अगर सेल्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली चाइनीज कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम कर देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।